नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन चुकी है। नए मंत्रिमंडल के कई चेहरों ने इस बार लोगों को हैरान कर दिया है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगर किसी के सितारे सबसे अधिक चमके हैं तो वह है वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी और फूलपरास से नव निर्वाचित विधायक शीला कुमारी। मुकेश सहनी बिना चुनाव जीते ही मंत्रिमंडल का हिस्सा है, तो वहीं शीला कुमारी को पहली बार चुनाव जीतने पर ही कैबिनेट में शामिल होने पर सभी आश्चर्यचकित हैं। शीला पहली बार चुनाव लड़ी और रिकॉर्ड वोटों से जीत गई हैं। 1952 से अब तक सबसे ज्यादा वोट पाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हो गया है। बिहार के मंत्रिमंडल में जातीय समीकरणों का ध्यान भी रखा गया है। शीला कुमारी ने फूलपरास से कांग्रेस के बड़े नेता कृपानाथ पाठक को हराकर जीत हासिल की है। सबसे बड़ी बात यह है कि 42 साल बाद इस सीट से जीतने वाला कोई विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है। 50 साल की शीला एक मिडिल क्लास परिवार से आती हैं और उनके पति इंजीनियर हैं। शीला पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखती हैं। फूलपरास में दो बार चुनाव जीत चुकी गुलजार देवी का टिकट काटकर इस बार शीला को उम्मीदवार बनाया गया था। बेतिया से विधायक रेणु देवी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। रेणु देवी अति पिछड़ी जाति से आती हैं और भाजपा की महिला चेहरा हैं। वह लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रही हैं। वह बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में वह हार गई थी, इसके बाद संगठन के काम में लग गई थी। 2005 से 2009 तक वह बिहार के मंत्रिमंडल में रह चुकी हैं। चुनाव बाद कहा जा रहा था कि बिहार में एनडीए की जीत के पीछे महिलाओं का बड़ा समर्थन है। शायद यही कारण है कि इस बार बिहार में एक महिला उप मुख्यमंत्री भी बनाई गई है। वहीं शीला कुमारी के परिवार की बात करें तो उनके चचेरे ससुर धनिक लाल मंडल फूलपरास से विधायक रह चुके हैं। बाद में धनिक लाल लोकसभा पहुंच गए और मोरारजी देसाई की सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे। वह हरियाणा के राज्यपाल भी रहे। शीला मंडल के जेठ भारत भूषण लौकहा से आरजेडी के विधायक हैं। शीला कुमारी को नए कैबिनेट में परिवहन विभाग मिला है। शीला के मंत्री बनाए जाने के बाद सभी हैरान और आश्चर्यचकित हैं। पहली बार विधायक बनने वाली शीला कुमारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विश्वास जीतने में सफल हो चुकी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वह उनके उम्मीदों पर खरा उतरने में कामयाब हो पाती हैं या नहीं। बताते चले कि इस बार बिहार के कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी को इस बार उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया है। उनके स्थान पर इस बार बिहार में दो उप मुख्यमंत्री बने हैं। भाजपा नेता और कटिहार सीट से चुनाव जीतकर चौथी बार विधायक बने तारकिशोर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तारकिशोर प्रसाद के उप मुख्यमंत्री बनने पर उनके गांव में जश्न का माहौल है। तारकिशोर प्रसाद के साथ बेतिया की विधायक रेणु देवी भी इस बार बिहार की उप मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।